अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन ब्यूटी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज की वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं ये कीप्योवेनी की पिगमेंट सीरीज लिप मट, जो कि वेलवेट टच में फुल कलर्स हैं। इसमें दो शेड हैं मेरे पास, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एक न्यूड में है, ये ए जो है न्यूड शेड में है, और बी जो है पिंक मेहरून और ब्राउनिश शेड में है। तो इसका मैं आज रिव्यू करूँगी। मैंने दराज से बाई किए, मैंने पहले न्यूड मंगवाए थे, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, और ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ पिछले एक महीने से, और जहाँ मैंने दराज से मंगवाए थे और ये मुझे एक महीने बाद रिसीव हुए थे। इसके प्राइस हैं 950 रुपीज़। ये तीन का पैक जो है आपको मिलेगा 950 में, डिलीवरी चार्जेस के साथ। आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो है डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। और दूसरा भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। और एक महीने बाद ये पार्सल रिसीव होता है, क्योंकि इसकी जो शिपमेंट थी वो ओवरसी थी, तो इस वजह से चाइना से डिलीवर हुए हैं ये डायरेक्ट। मैंने इसको ओपन करके यूज़ किया है और इसके बाद आपके साथ शेयर करी उसके रिव्यू। अच्छा, मैंने बहुत सारे लिप मट्स देखे, आप लोग यहाँ पर इनके शेड देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे लिप मट्स वगैरह देखे हैं इंटरनेट पे और डिफरेंट वेबसाइट से, जो कि इतना सा जार भी 1000 से अबव का पड़ता है। तो अगर आप ये बाय करते हैं, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप ये बाय करते हैं तो आपको 950 में, मतलब 1000 भी लगाएं तो आपको 1000 में तीन का पैक मिलता है डिफरेंट कलर में। तो मैंने न्यूड मंगवाया, बाद में मैंने डार्क शेड। सबसे पहले मैं आपको न्यूड दिखा देती हूँ। अच्छा, इनके साथ ना इनके छोटे छोटे एप्लीकेटर्स भी हैं सेम जैसे ये। अच्छा, एक पैक में तीन होते हैं, और तो तीनों के साथ सेपरेट हैं। सबसे पहले ये शेड है, ठीक है, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। अब ये वेलवेट टच में है, बहुत ही सॉफ्ट सा इफेक्ट है इसका, मतलब लगाने के बाद लगता भी नहीं कि हमने कोई लिपस्टिक लगाई हुई है। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो मेरे हाथ पे लगी हुई है वो ब्लेंड हो गई। तो दूसरी फिंगर से मैं आपको इसको उतार के दिखाती हूँ। बिल्कुल हल्की सी ट्रांसफर प्रूफ होती है ये, बहुत ज़्यादा नहीं, और ये टेंट स्टेन छोड़ती है, तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन अच्छा टाइम तक ये स्टे करती है आपकी लिप्स पर। सेकेंड आप ये बहुत ही प्यारा शेड है, मेरे बैग में होता है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, आपको इसकी हालत भी नज़र आ रही होगी। तो नेक्स्ट, ये मिलते जुलते शेड हैं ये न्यूड शेड में, लेकिन थोड़ा थोड़े से फर्क से, डिफरेंट से जो है आपको इनके शेड में फ़र्क पता लगेगा। अच्छा जी, तो थर्ड है ये थोड़ा ब्राउन टोन में है, इसको मैंने बहुत कम यूज़ किया, लेकिन इसका शेड भी बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप मज़ीद क्या देखना पसंद करेंगे, ताकि मज़ीद वो चीज़ें लेकर आएँ जो आप लोग देखना चाहते हैं। अच्छा जी, ये न्यू शेड्स हो गए हैं, और अब चलते हैं हम इसके डार्क शेड्स पर। इसमें जो आपको इसके शेड नज़र आ रहे हैं, ये बरगंडी शेड है, ये ब्राउन टोन में है, और ये रेडिश पिंक है। तो सबसे पहले बरगंडी शेड दिखा देती हूँ मैं आपको। मेहरून, डीप मेहरून है इसका, ट्यूब का साइज ये है, और बहुत ज़्यादा प्रेस करने के बाद थोड़ा सा अमाउंट निकालें। तो न्यू ट्यूब्स होती है ना, तो उनमें से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट निकल आता है, बहुत थोड़ा सा निकलता है। इसको भी मैं, बहुत ज़्यादा निकल आया ये। इसकी क्वांटिटी इतनी इनफ है एक टाइम के लिए, तो मैं जो बाकी रह गया है इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। इसका कलर आप देख सकते हैं, देखिए इसका शेड। अच्छा, इसके ऊपर इनके नंबर्स नहीं मेंशन, तो मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ। इसमें ए और बी है, इनके सेट के नाम है ए और बी। ये देखो, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इधर ये बी है जो रेड वाली टोन में है, वो बी में है, और जो ए में है वो न्यूड शेड में। ये सेकंड, ये ब्राउन टोन में है शेड। सारे अब शेड दिखाऊंगी मैं आपको इसके, थोड़ा रेडिश ब्राउन में है,
इनकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी लेनी पड़ती है, लेकिन दिखाने के लिए आप लोगों को और इसका लास्ट शेड मैं ये वाली फिंगर ना साफ करने के बाद, फिलहाल मैं यही साफ कर रही हूँ। ये रहा ब्राउन टोन। अच्छा जो ये वाला था सेंटर वाला जो डार्क ब्राउनी शेड था वो था और रेड टोन में, पिंक में, और ये वाला ऑरेंज में। ऑरेंज सही तरह निकलता कि नहीं, तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये बाय करनी हो इनका सेट तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए मैं मज़ीद चीज़ें लेकर आऊँ, आपके लिए लिंक मेंशन कर दूँ। वैसे मैंने लिंक कॉपी किया था तो वहाँ से रिमूव हो चुका है ये, या तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, या फिर अगर आप लोगों को लिंक से मिल जाए तो आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।